नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोविड 19 के 5 से कम मामले। अगर आपके पास है कोई बिजनेस आइडिया तो नाम के साथ फंड का उठा सकते हैं फायदा। खेल रत्न मिलने पर सीएम नीतीश ने दी शुभकामनाएं। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को पद्मश्री सम्मान मिलने से खुश नहीं है परिजन। बिहार में यूपीएससी बीपीएससी पास करने वाली महिलाओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। खेल रत्न मिलने पर सीएम नीतीश ने दी शुभकामनाएं। बीते दिन बिहार के कई युवा खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके तहत हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और मुजफ्फरपुर निवासी शरद कुमार को पैरा हाई जंप के लिए अर्जुन अवार्ड से राष्ट्रपति भवन में आयोजित खेल सम्मान समारोह में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि दोनों खिलाड़ियों को मिले इस प्रतिष्ठित सम्मान से बिहार एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। शराब माफियाओं की सारी जानकारी जानती है पुलिस। बिहार सरकार इन दिनों बिहार में शराब माफियाओं के आतंक से परेशान है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में नकली शराब बेची जा रही है। साथ ही कई लोगों की जान जाने की खबरें भी सामने आई है। इस बीच जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार पुलिस को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी अगर सफल नहीं हो पा रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पुलिस वाले हैं। 80% पुलिस वालों की शराबबंदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। शराबबंदी की मौजूदा स्थिति के लिए यह एक बड़ी वजह है। राजधानी पटना में कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। कंगना रनौत ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि भारत को 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी, और जो असली आजादी मिली है वो 2014 में इस वक्त मिली, जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। जिसके बाद कंगना रनौत ने पिछले दिनों दिए अपने एक बयान के बाद से पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज करवाया गया है। बता दें कि यह केस बिहार कांग्रेस की तरफ से पटना के एसके पुरी थाने में दर्ज करवाया गया है। बिहार कांग्रेस ने केस दर्ज करने के साथ ही पद्मश्री वापस लिए जाने की मांग भी की है। बता दें कि कंगना रनौत के बयान सामने आने के बाद से विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेता भी विरोध से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देश के कई हिस्सों में कंगना के पुतले जलाए गए हैं। बिहार में यूपीएससी बीपीएससी पास करने वाली महिलाओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार की सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अब बिहार ने इन महिलाओं को मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इसको लेकर बीते दिन महिला एवं बाल विकास की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बमहरा ने अपने बयान में कहा है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं बीपीएससी की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आज है वर्ल्ड डायबिटीज डे। देश भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में आपको देखने को मिल जाएगी। डायबिटीज के जद में देश की आबादी का 8 से 10% हिस्सा है। जीवन शैली में इस बदलाव का मुख्य कारण बन रहा है हर साल। इसको लेकर आज ही के दिन विशेष अभियान चलाया जाता है, जो कि थीम के हिसाब से चलता है। मिली जानकारी के अनुसार इस साल 2021 के लिए डायबिटीज केयर तक पहुंच यदि अभी नहीं तो कब थीम दिया गया है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि ग्रामीण आबादी में शहरी आबादी की तुलना में डायबिटीज के रोगी कम मिलते हैं, क्योंकि वहां खान पान का अंतर आ जाता है। इस बीमारी को रोकने के लिए न केवल जागरूकता बल्कि जीवन शैली में बदलाव की भी जरूरत है। अगर आपके पास है कोई बिजनेस आइडिया तो नाम के साथ फंड का उठा सकते हैं फायदा। बिहार में रोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना खुद का रोजगार शुरू करें। यही कारण है कि अब अगर आपके पास कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है तो आपको पूंजी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से संचालित इंक्यूबेशन सेंटर वेंचर पार्क की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से संचालित इंक्यूबेशन सेंटर वेंचर पार्क आपको इनाम तो देगा ही, साथ ही प्रशिक्षण भी देने का काम। इतना ही नहीं, कई और सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। खास बात यह है कि पूंजी नहीं होने पर फंडिंग भी हो सकती है। बिहार में मिले कोविड 19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 28 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 3 और ईस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 282 सैंपल की जांच की गई, हालांकि इस दौरान 1 भी मरीज ठीक होकर घर वापस नहीं लौटे हैं। 148 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा पुराने नंबर से।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण कई ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब मामलों में कमी आने के साथ ही ट्रेनों को दोबारा से पहले की तरह बहाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने अब एक और अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत रेलवे की तरफ से चलाई जा रही 148 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब पुराने नंबर पर ही किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ने अभी चलाई जा रही पूर्व मध्य रेल की नियमित मेल और एक्सप्रेस के साथ साथ हॉलीडे स्पेशल ट्रेन के लिए स्पेशल ट्रेन का दर्जा खत्म करने का फैसला लिया है। वहीं जिन ट्रेनों के सामान्य श्रेणी में आरक्षण की व्यवस्था है वो वैसे ही जारी रहेगी, साथ ही पहले से भी जो कोच अनारक्षित घोषित किए गए थे वो अनारक्षित बने रहेंगे। दुलारी देवी की मधुबनी पेंटिंग का होगा लाइव डेमो। मधुबनी पेंटिंग की विधा में महारत हासिल करने वाली दुलारी देवी आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हाल ही में दुलारी देवी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया था, वहीं पीएम मोदी ने भी उनकी खूब तारीफ की थी, जिसके बाद अब दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप को इस बार ITPO की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप नायाब रूप दिया जा रहा है। कोविड 19 में एक साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस साल प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 में पार्टनर स्टेट के रूप में 400 वर्ग मीटर में बिहार मंडप लगाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि दुलारी देवी इस बार मधुबनी पेंटिंग में लाइव डेमो देने वाली है, जबकि सिक्की मंजूषा कला में राज्य पुरस्कार विजेता और टेराकोटा में राज्य पुरस्कार विजेता भी जीवन प्रदर्शन करने वाले हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में भले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अभी भी सरकार का घेराव उन्होंने जारी रखा हुआ है। ये कहावत सही है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसा ही कुछ दिख रहा है चिराग पासवान के खेमे में। हालांकि उपचुनाव से सीख लेते हुए चिराग पासवान ने अब गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, साथ ही अब आगामी चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे, चुनाव आने पर गठबंधन पर फैसला लेंगे। हालांकि गठबंधन सहयोगियों की घोषणा चुनाव से पहले ही की जाएगी। आज जारी हो सकती है बीएड के खाली सीटों की कॉलेज वाइज सूची। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की तरफ से 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्री में 3 नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचे हुए 659 रिक्त पदों पर एक बार फिर से नामांकन की घोषणा कर दी गई है। सीईटी बीएड 2021 में उत्तीर्ण और पंजीकृत अभ्यर्थियों को अंतिम मौका ऐसे में दिया जा रहा है। इसको लेकर के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा है कि पंजीकृत और अपंजीकृत अभ्यर्थी महाविद्यालय संस्थानों में बची सीटों पर नामांकन करवा सकते हैं, जिसके बाद आज सभी महाविद्यालय संस्थानों में बचे हुए रिक्त सीटों की सूची जारी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसके तहत जो भी उम्मीदवार सीटों की सूची देखना चाहते हैं वो www.bihar-ctbed-inmu.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सीईटी प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण और अपंजीकृत अभ्यर्थी 15 और 16 नवंबर को अपना पंजीकरण अधिकृत वेबसाइट www.bihar-ctbed-inmu.in पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से करा सकेंगे। बिहार में कला प्रतिभा और फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार म्यूजियम में आयोजित 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार के हर जिले में कला प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। स्थानीय स्तर पर ही अगर हम देखें तो कई बेहतरीन कलाकार मौजूद है, बस हमें जरूरत है तो उनकी कला को पहचान कर समुचित मंच प्रदान करने की। कला संस्कृति और युवा विभाग और बिहार राज्य फिल्म विकास निगम ने पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कर बेहतरीन पहल की है। बाल फिल्म महोत्सव के खूबसूरत आयोजन से बच्चों में रचनात्मकता और व्यवहारिक का विकास हो सकेगा। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को पद्मश्री सम्मान मिलने से खुश नहीं है परिजन। हाल ही में महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वशिष्ठ नारायण सिंह के परिवार वाले ही इस सम्मान से खुश नहीं है, क्योंकि परिजनों की मांग है कि वशिष्ठ नारायण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। परिजनों का कहना है कि वशिष्ठ नारायण सिंह को यह पुरस्कार जीते जी मिलना चाहिए था। देश के महान गणितज्ञ को मरणोपरांत भारत रत्न से सरकार को सम्मानित करना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के परिवार वालों द्वारा उनकी याद को ताजा कर देने वाले स्मृतियों को अभी तक सहेज कर रखा गया है। उनकी यह किताब और उनके लिखे हर सूत्र आज भी गणितज्ञ को ढूंढते नजर आ रहे हैं। आज T20 वर्ल्ड कप का होगा फाइनल मुकाबला। आज T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा, जो कि दुबई के मैदान पर उतरने वाले हैं, और दोनों ही टीम यह पुरजोर कोशिश करेगी कि यह खिताब अपने नाम करे। इसको लेकर दोनों ही टीम ने काफी मेहनत की है और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर यहां तक पहुंचने का काम किया है।
बात दोनों टीम के पिछले रिकॉर्ड की करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी बार फाइनल तक पहुंची है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। आईसीसी इवेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम दो बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी है, लेकिन उसे कभी जीत नहीं मिली। ऐसे में कीवी टीम के पास इस इतिहास को बदलने का मौका है, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास अपने इतिहास को बनाए रखने का दबाव भी है। इसमें कोई शंका नहीं है कि आज ये दोनों टीम बेहतरीन नजर आने वाली है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की चर्चा हुई तेज। इन दिनों बॉलीवुड के गलियारे में कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं अब ताजा रिपोर्ट की माने तो दोनों अगले महीने शादी कर रहे हैं। इसके लिए सवाई माधोपुर में 5-स्टार होटल ताज और 2 ओबेरॉय होटल भी मेहमानों के लिए बुक कर लिया गया है। होटल 6 सेंस बरवारा फुट में होने वाली शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं चौथ माता ट्रस्ट और होटल शिवप्रिया पैलेस में 42 कमरों की बुकिंग के बाद अब सवाई माधोपुर रन थोभोर रोड स्थित 5-स्टार होटल ताज और द ओबेरॉय भी मेहमानों के लिए बुक कर लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन होटल में लगभग 125 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रुक सकते हैं। वहीं इन सभी मेहमानों को एयरपोर्ट से लाने और ले जाने के लिए एक ट्रैवल कंपनी से लगभग 40 लग्जरी गाड़ियों की डिमांड की गई है। इसमें ऑडी रेंज रोवर समेत कई वैनिटी वैन भी शामिल है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।